नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। आगे देखिए हरियाणा से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। हरियाणा में कोरोना के मामलों में हो रही गिरावट जहां एक ओर राहत दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में कोरोना के मामलों के बाद अब ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामले लोगों में डर, तो वहीं प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। बीते दिन भी हरियाणा में ब्लैक फंगस के 64 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि इसी के साथ हरियाणा में अब तक पाए गए ब्लैक फंगस के कुल मामलों की संख्या 332 पर पहुंच गई। नए मिले 64 मामलों में से सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 32, तो वहीं हिसार से 14 मामले सामने आए हैं। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस हरियाणा के 16 जिलों में पांव पसार चुकी है। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों के लिए एक अनोखी स्कीम लेकर आई है। अब खेत खाली रखने पर भी किसानों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानी बचाने के लिए खेत खाली फिर भी खुशहाली नारा देते हुए इस स्कीम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि पिछले साल से ही हरियाणा सरकार धान की बुआई न करने वाले किसानों को यह राशि दे रही थी, जिसमें अब खेत खाली रखने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने छोटे उद्योगों को बड़ी राहत दी है। अब हरियाणा में छोटे उद्योगों को 15 दिन के भीतर ही अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार के निरंतर प्रयास के कारण राज्य में MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों में निवेश काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि डिप्टी CM के अनुसार हरियाणा सरकार अब नई औद्योगिक नीति के तहत निर्यात को दोगुना करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसे लेकर प्रदेश में MSME उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसके तहत हरियाणा में MSME उद्योगों को स्थापित करने के लिए केवल 15 दिन के अंदर ही अनुमति दे दी जाएगी। कहते हैं कि जब पढ़ाई करने की इच्छा हो तो उम्र की सीमा भी आपको नहीं रोक पाती। तभी तो हरियाणा के गुहला से JJP विधायक ने 73 साल की उम्र में 84.6% अंक प्राप्त कर राजनीतिक विज्ञान में प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की। आपको बता दें कि यह तीसरी बार है जब विधायक GMA की परीक्षा दे रहे हैं। ईश्वर सिंह 1970 में पहली बार विधायक बने थे और उस वक्त वे केवल 10वीं पास थे। उसके बाद इन्होंने लगातार पढ़ाई की और इससे पहले भी ये MA कर चुके हैं और अब तीसरी बार है जब ये MA की परीक्षा दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में बाढ़, सूखा और लू से बचने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि यह कंट्रोल रूम 1 जून 2021 से अगले आदेशों तक 2400 घंटे चालू रहेंगे। चंडीगढ़ सेक्टर 17 स्थित सचिवालय भवन में बनाए गए कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर 0172254593 पर संपर्क कर आप भी जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें कंचन टीवी। और कंचन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।